डोंडाड़ का कौन है, जयपुर का कौन है, लोकल का? लोकल जयपुर को बताओ दे के बोल के काय कर रहे हो छे? पर महाराज क्यों कहते हो, मुझे तो वो बता दो। हर आदमी ऐसे क्यों बोलता, अजी महाराज अजी ऐसे, हाँ ऐसे बोलते हैं ना हर आदमी को कहते हैं। मतलब दुकान में सामान लेने जाओ आप, ग्राहक हो तो भी दुकानदार, अजी महाराज रेट तो सही लगा रहे हैं, अच्छा मैं तो एकदम ऐसे छह छह लगा के बोलेंगे एकदम। बड़ी गजब भाषा है, मुझे बड़ी जोरदार सी लगती है, कि समझ में तो नहीं आती, जब मैं समझ में तो आ जाती है, बोली नहीं जाती वापस। अपने ये छह छह करना ही सीखे, बाकी एग्जैक्टली बोली नहीं जाती। पर मैं शुरू शुरू में नया नया आया था तब सिटी बस में बड़े मजे आते थे, ये तो जल्दी जल्दी बोलते हैं, अपने मारवाड़ वाली भाषा में ठहराव है, धीरे धीरे यूं उगलवाएंगे अगले से भाषा। कंडक्टर यहाँ सारे सिटी बस वाले जयपुर लोकल के होते, फिर वो पूछता कंडक्टर से, मैं क्या क्या बोल गया, तू सही तो बता कंडक्टर से। तो फिर धीरे धीरे समझ में आ गया, पूछ रहा कहाँ जा रहा है, तो लाल कोठी तब स्प्रिंग बोर्ड हुआ करता, तो लाल कोठी 5 रुपए लग गए, तो 5 लगेंगे कि 6 लगेंगे पहले तू ये बता। वो तो मैं एक बार, मैं राजस्थान का स्टूडेंट रहा था, तो मुझे राजस्थानी वाला थोड़ा लगाव ज्यादा था। तो मैंने एक बार यूं घर में इनका कि भाई अपने घर में शादी हो कोई, तो कार्ड जो है वो राजस्थानी में छपवाया करो। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, तो इस बार कोई ब्याह हुआ तेरे को देंगे, तू छपवा लेना। कोई घर में शादी थी तो कहा कि ले, वो तू कह रहा था ना राजस्थानी में कार्ड छपवाने, तो छपवा ले राजस्थानी में कार्ड। तो मैं वहां ठीक, मैं छपवा लूंगा, पहले मैं आप पता लगाओ देखे वहां लोकल में अपने छप जाए। वापस घर वालों का फोन आया कि लोकल में तो ऐसे नहीं छपते, यहाँ पे किसी के पास राजस्थानी छापा ही नहीं है, न इनको आते हैं, तू कहीं से जानता है छपवाला, वरना हम हिंदी में छपवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, वो आप डिटेल थोड़ी भेज दो, कब ब्याह है कब नहीं है सारा, फिर मैं छपवा दूंगा। तो पहले क्या राजस्थानी का मतलब है, पहले राजस्थान में जो अपने चलते थे, जब तक हिंदी नहीं आई थी तब तक जो हुआ करते थे, तो उनमें ना ज्यादा लंबी चौड़ी रामायण नहीं हुआ करती थी। आजकल जो अपने होते ना, दर्शना बिलासी, उत्तराकांक्षी, मामा जी की छादी में जलूल जलूल आना, ये नहीं हुआ करते थे। बारात बस द्वारा यहां से वहां जाएगी, तो हेलीकॉप्टर में किस किस की गई है हमें पता है, बस में ही लेके जाओगे तुम, लिखने की क्या जरूरत है यहां पर, यहां से वहां लेके जाएंगे। तो वो वाली को तामझाम होता नहीं, राजस्थानी वालों में सिंपल इतना सा हुआ करता था, फलाण जी की शादी फलाण जी के साथ की जा रही है, ये इसका बेटा है वो उसकी बेटी है, और आप हमारे मेहमान हो, 4 दिन पहले आ जाना, सिंपल इतनी सी बात हुआ कर भाई। मैं कहते तो यही है ना भाई, मन में भले ही सोचोगे एंड टाइम पे भी मत आना, भले ही तुम कहते थे किसी को ये है ना भाई, हमारे ब्याह की शोभा बढ़ेगी, आप हमारे 4 दिन पहले आ जाना। तो वो एक सिंपल एक लाइन लिखा, तो 7-8 लाइन का एक कार्ड होता है, वो एक सिंपल सीधा पेज होता है, पर पहली बात उसको फोल्ड करते थे, फोल्ड करके भेजते थे, फिर उसको यूं खोला जाता था, ऐसे खोलते थे, उसमें 7-8 लाइनें हुआ करती थी। तो हम यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस देखने के लिए गए, तो हमने खूब सारी प्रिंटिंग प्रेस खंगाली, उनको कहा राजस्थानी में लिखवाना, तो नहीं राजस्थानी में तो नहीं है, और किसी में जाए राजस्थानी लिखवाना, नहीं राजस्थानी में तो नहीं। फिर फाइनली एक कोई थे थोड़े समझदार बंदे थे, उन्होंने हमें देख के कहा कि यार तुम यदि राजस्थानी में चाहते हो ना, सिटी पैलेस के पीछे एक प्रिंटिंग प्रेस है, और उनके पास जाओ, वो बहुत पुरानी प्रिंटिंग प्रेस है, उनके पास राजस्थानी के पुराने कार्ड मिल जाएंगे, तो तुम्हें पता चलेगा अपने को कौन सा बनवाना है कौन सा नहीं बनवाना, हमारे पास तो कार्ड ही नहीं है राजस्थानी के। ठीक है, उनके पास गए, तो वहां वाकई एक बेहद बुजुर्ग सज्जन बैठे, मतलब 70-75 साल के आसपास की एज होगी। हमने उनको जैसे जाके कहा कि अंकल हमें राजस्थानी में कार्ड छपवाने, तो उन्होंने वहां जो भी उनका लड़का काम कर रहा था उसको कहा कि तू बेसमेंट में जा, और वहां पे वो जो एक गठरी में कार्ड पड़े वो निकाल के भैया को दिखा। तो उन्होंने हमें खूब सारे कार्ड दिखाए, हालांकि वो कार्ड सारे ढूंढारी में थे। हम उनको कहे कि नहीं हमें तो मारवाड़ी में चाहिए, हमारे पश्चिम वाली के अंदर चाहिए, बीकानेर वाली भाषा के अंदर चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर मुझे आप लिख के ला के दो, और फिर मैं वैसा वैसा आपको छाप दूंगा। तो ठीक, पर हम जब वो कार्ड देख रहे थे तो हमें एक कार्ड बड़ा गजब लगा, 5-6 लाइनों का एक कार्ड, सिंपल कार्ड, एक बंदे का नाम है अशोक कुमार, अशोक कुमार के बेटे का नाम है अजय कुमार, और अजय कुमार की नहीं जीवन लाल का बेटा अशोक कुमार, अशोक कुमार का बेटा अजय कुमार, जीवन लाल जी अपने पोते अजय कुमार की शादी कर रहे हैं। तो सिंपल लिखा हुआ कि मैं जीवन लाल मारे मोटे के छोरा अशोक कुमार रे मोटे के छोरो अजय कुमार रो ब्याह कर रहे छू, मारी बारात इन दिन इन गांव जावली छे, मारे ब्याई जी को नाम ओछ है, ब्याण जी को नाम ओछ है, लड़की के पापा का, लड़की के पापा का उसका नाम लिखा हुआ, और ब्यारो लगन इन दिन बैठो से, ब्यारो विनायक स्थापना, वो चिट्ठी भी लिखते हैं वो सारी लिखे, और एक लास्ट लाइन लिखी हुई कि 4 दिन आगुच पधारन मारे ब्यावरी शोभा बढ़ाओ जो। अब मैंने उसमें नोटिस किया उसमें लड़की का नाम ही नहीं, मतलब मैं यार लड़की का नाम कैसे खा सकते हैं, ठीक है कम होता है पर लड़की बीनने का नाम तो लिखे, मैं उसको पढ़ूंगा यार। फिर लास्ट में सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई, क्या मैं नहीं बताऊंला तो थे पूछोला तो बीनने को नाम पूनम छे। भाई हम नहीं बताएंगे तो तुम पूछोगे, तो हम लास्ट में बता देते हैं कि बीनने को नाम, अरे हम इतने हंसे उसको देख के।
नहीं लिखा आप लोगों की मर्जी। फिर हम तब तीन चार लोग साथ में रहते थे, तो फिर वो कोई पढ़ता रहता, मतलब सीरियस हो गया पढ़ता है, फिर कोई दूसरा आता है तरह से क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि हाँ पूछ ले सब आता है मुझे, आज जो पढ़ा उनमें से कि बताओ बीनड़ी को नाम कहीं छे तो बीनड़ी को नाम पूनम छे, नहीं बताओ ला तो पूछो ला, मगर यार जयपुर वाले ठीक मजाक करते हैं तो याद रखना आपसे कोई पूछ ले बीनड़ी को नाम कहीं छे तो कहीं बताओ ला पूनम छे।